केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की है कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। यह कदम कैंसर के मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इससे कैंसर की दवाओं की कीमतों में कमी आएगी। इससे देश के लाखों कैंसर मरीजों को फायदा पहुंचने की उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन 3 दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट देने से कैंसर के इलाज में आर्थिक बोझ कम होगा। बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी थी। अब 3 और दवाओं को इस सूची में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश में दवाइयां सस्ती उपलब्ध हों और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कदम से कैंसर मरीजों को काफी राहत मिलेगी। इससे पहले के बजट में भी सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया था और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उम्मीद है कि इस बजट में किए गए कदम से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में और सुधार आएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल एक्सरे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर मूल सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की है। यह कदम मशीनों की कीमतों को कम करने और रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती बनाने में मदद करेगा।